हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तीन बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के और बहुत ही टेस्टी से शेक्स की रेसिपी, जो कि बच्चों को तो क्या बड़ों को भी बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। तो सबसे पहले हम ओरियो शेक बनाएंगे। तो जैसे कि नाम से ही है कि ओरियो, तो इसमें ओरियो बिस्किट जाएंगे। तो यहाँ मैं 5 से 6 जो है और ये बिस्किट जो है ऐड कर रही हूँ। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा शुगर। तो यहाँ मैं 2 चम्मच पिसी हुई चीनी जो है इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बिस्किट्स भी जो है वो काफ़ी मीठे होते हैं। और साथ में थोड़ी सी मैंने ये डेरी मिल्क वाली चॉकलेट थी मेरे पास, तो वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें वनीला आइसक्रीम, तो 2 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूंगी। और इसी के साथ अब इसमें हम डाल देंगे दूध। तो मैं 1 कप के आसपास दूध डाल रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ओरियो शेक है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। और फटाफट से हम इसे जो है ग्लास में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने पहले से ही चॉकलेट सिरप से ये जो ग्लास है हमारा डेकोरेट करके रखा हुआ था, तो ये इसमें डाल देंगे। और इसे हम डेकोरेट कर देंगे हमारे ओरियो बिस्किट से। तो ये जो हमारा एक शेक है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर लगता है। बच्चों को तो क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो अब इसे रखते हैं हम साइड में और चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेक की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ वापस से मिक्सी का जार ले लिया है और उसमें मैं डाल दूंगी एप्पल, क्योंकि अब हम जो बना रहे हैं एप्पल शेक बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनता है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो डिपेंड करता है चीनी आप कितनी पसंद करते हैं या फिर जो एप्पल है वो कितना मीठा है। तो मैं इसमें 4 चम्मच जो है छोटे वाले इसमें डाल रही हूँ चीनी। और साथ में डाल दूंगी दूध। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी कुछ इसमें काजू। और अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेश कुटी हुई हरी इलायची और इसे जो है हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये जो हमारा एप्पल शेक है वो भी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये ग्लास ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से आइस क्यूब्स और इसमें डाल देंगे हमारा ये एप्पल शेक। बहुत ही अमेजिंग लगेगा, बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होता है। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा, हेल्दी तो है ही। और इसे हम गार्निश कर देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए एप्पल से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा एप्पल शेक है वो भी बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेक की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब जो हम बनाएंगे वो है हमारा बनाना शेक। तो मैंने एक बड़ा सा केला था उसके मैंने छोटे छोटे जो है टुकड़े कट कर लिए हैं। और अब इसमें मिला देंगे हम चीनी। तो चीनी जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग ही जाएगा। तो मैं इसमें 3 चम्मच जो है चीनी ऐड कर रही हूँ। और साथ में मैं इसमें भी थोड़े से काजू जो है वो ऐड कर दे रही हूँ। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं इलायची और साथ में डाल देंगे कुछ आइस क्यूब्स, ताकि जो केला है हमारा वो काला ना पड़े। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम दूध और इसे भी हम जो है ब्लेंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा बनाना मिल्क शेक भी रेडी है। इसे भी हम ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अमेजिंग सा ये लग रहा है और इसे भी हम डेकोरेट कर देंगे। तो इसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ टूटी फ्रूटी से, बहुत ही बढ़िया लगता है ये।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा बनाना शेक है वो भी रेडी हो गया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस से और बहुत सिंपल से ये शेक्स। आई होप कि आज की ये रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।